वेलकम बैक टू माय मम्मास चैनल मिंगल कुकिंग। तो दोस्तों, मुझे पता है आप सबका भी स्नैकिंग करने का दिल होता है ना, और स्नैक्स के बीच में अगर आपको कुछ खट्टी मीठी चटनी नहीं मिले तो स्नैक्स का मज़ा अच्छा नहीं लगता, है ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हमारे को स्नैक्स के साथ चटनी भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जावे, है ना? तो इसीलिए आज मेरी मम्मी आप सबके लिए कुछ चटाकेदार रेसिपी लाई है, जो के है इमली पुदीने की चटनी, हरी हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चले आ जाइए, किचन में चलते हैं, क्योंकि आज भी मैं अपनी राइट प्लेस पे नहीं बैठी हूँ। तो हमें पहले किचन में चलना है, आइए, कम ऑन कम। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ बंच धनिया पत्ते का लिया है, 1/4 कप मैंने यहाँ पे मिंट लीव्स लिया है। चटनी जब भी बनाएं तब मिंट लीव्स और धनिया पत्ता फ्रेश ही यूज़ कीजिए, तो उससे चटनी का कलर बहुत ब्राइट आता है। हरी मिर्च मैंने यहाँ 5 से 6 ली है, 4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने गुड़ लिया है, 1 छोटी प्याली मैंने इमली का पल्प लिया है। ड्राई मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च। अब मैं इसे अपने ग्राइंडर में इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ चटनी का। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मैं इसे अभी बाउल में निकालती हूँ, इतनी चटनी हमारी प्रिपेयर हुई है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। ये अच्छी खासी थिक बनी है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट आया है। ये चटनी आप ज़रूर बनाएं, ये खट्टी मीठी और तीखी चटनी होती है और ये स्नैकिंग के वक्त स्नैक्स के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। बन में हम इसे डाल सकते हैं, चाट में, बेल पूरी में और आलू के पैटीज, शामी कबाब के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप इस चटनी को ट्राई कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। और पानी मैंने इसमें जो है 3 टेबल स्पून डाला है, मैं बताना भूल गई थी, पानी इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा। इतना पानी डालिए कि ये ज़्यादा पतली ना हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। अगर चटनी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने इस चटनी को इस जैम की बोतल में भर लिया है। देखिए, ये जैम की बोतल है, आप सबकी मम्मी भी ऐसे ही करती है ना, जैम की बोतलों में या किसी और बोतल में से रीयूज़ कर लेती है, मतलब अपनी चीज़ें भर लेती है। और ये आप देख सकते हैं आलमंड की, आलमंड ऑयल की बोतल में ये मनी प्लांट है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी मम्मियाँ कौन सी बोतल में क्या क्या भरती है। और एक और राज की बात, मेरा जब पीडियाश्योर ख़त्म हो जाता है, मतलब पीडियाश्योर मिल्क ख़त्म हो जाता है, तो मेरी मम्मी उस बोतल में पता ही क्या भरती है, बहुत हंसी आने वाली है, सरफ भर लेती है। मुझे भी हंसी आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था ना, आप बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।